हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी अक्षय है एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग आ गए हैं तीसरे पार्ट पे ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। तो अगर आपने पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे जो मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट आर ऑप्शंस एंड व्हाट आर कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस, प्लीज इधर क्लिक कीजिए, ठीक है। इधर एक लिंक आएगा, प्लीज वॉच देम। एक 10 से 15 मिनट के वीडियो होंगे दो, तो प्लीज वो देख के आ जाइए, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज द सेम एग्जाम्पल्स और आपको थोड़ा मुश्किल होगा ये टॉपिक समझने में। तो आज का टॉपिक ये है कि व्हाई ऑप्शंस एक्सपायर प्राइसलेस मोस्ट ऑफ द टाइम। बाय द वे मैं लिख के बात भी कर रहा हूं, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो एट 1.25x सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड एंड यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ओके राइट, तो व्हाई ऑप्शंस एक्सपायर प्राइसलेस मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ऑप्शंस हमेशा जीरो या जीरो के नजदीक ही एक्सपायर होंगे। जब उनका एक्सपायरी हो जाए, सपोज अपने एग्जांपल में 30th जुलाई था, ठीक है, तो 30th जुलाई जब खत्म होने वाला है, क्यों मोस्ट ऑफ द ऑप्शन जीरो या जीरो के नजदीक क्यों मतलब जाएंगे या उधर पहुंचेंगे, ठीक है, व्हाई। और मैं बस ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शंस इन टोटल, लाइक कॉल ऑप्शन हो राइट या पुट ऑप्शन हो, ठीक है, इसमें तुम बायर हो या सेलर हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जीरो होंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द कॉल एंड पुट ऑप्शन, यस, ओके, राइट। तो हम स्ट्रेट जाते हैं टॉपिक में, और टॉपिक अपना एग्जांपल ही है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं, अगर नहीं देगा प्लीज गो वॉच इट। ऑलराइट, अपना एग्जांपल ये था कि हम एक घर लिए 15 लाख का घर, ऑलराइट, 15 लाख का घर हम लोग लिए, सपोज 5,000 में लेते, चलो मैं आज के एग्जांपल के लिए मैं 6,000 लिख रहा हूँ, ठीक है, हम लोग 6,000 रेंट पे कर रहे हैं 15 लाख के घर पे 30 दिनों के लिए, ये है अपना कॉन्ट्रैक्ट। चलो इस 30 दिनों के बाद मतलब 30th डे को मैं एक क्या बोलते हैं एक डे दे रहा हूँ, विच इज 30th जुलाई, ओके राइट। तो ये हो गया अपना प्रीमियम, ये था निफ्टी, 15 लाख है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा क्यों है ये, प्लीज अब तो आपको याद पे आया होगा, मतलब You must be knowing all this by heart. Okay. तो अभी 15 लाख का घर 15 लाख ही रहा, ठीक है, हमने 30 जुलाई तक रेंट लिया और हमने पे किया 6,000, ठीक है, और हम एंटर किए थे 1st जुलाई पे, assume. तो मतलब रेंट के स्टार्टिंग में तो रेंट मतलब मंथ के स्टार्टिंग में तो रेंट हो गए, ओके राइट, 1st जुलाई पे एंटर किए 6,000 देंगे राइट, 15 लाख की घर पे 30th जुलाई को। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 15 लाख को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब 15 लाख का 15 लाख ही रहेगा, 30 जुलाई ही रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे अगर मतलब 10 अगर 1st जुलाई को 10 जुलाई से चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब 10 जुलाई को हम लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है, एंटर किस में कर रहे हैं, रेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। तो मैं प्रीमियम का वैल्यू अभी नहीं लिखूंगा, सेम 15 लाख है और सेम 30th जुलाई है। चलो अब प्रीमियम कितना आएगा, जब मैं 1st जुलाई को एंटर हुआ, इधर थे 30 दिन, 30 दिनों के लिए मैं
उनको दे रहा था, ओनर को दे रहा था 6,000 रुपए रेंट। और जब मैं 10 जुलाई को सेम एक्सपायरी पे एंटर करूंगा और प्राइस भी मतलब मकान का प्राइस भी नहीं बढ़ा, मैं 6,000 दूंगा कि उससे कम दूंगा, क्योंकि ओनली मैं इधर था 30 दिन तो इधर 20 दिन है, तो 20 दिन का ऑब्वियसली ऑप्शन का प्राइस या ऑप्शन का प्रीमियम या रेंट कम ही होगा ना, राइट? कम कितना होगा? चल बेसिक 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 मैथ है, 6,030, राइट? 200 हो गया, और 200 × 20 बन गया 4,000। सिंपल है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया ना तो प्लीज कैलकुलेटर में कर लीजिए, बहुत सिंपल है। दिस इज जस्ट कॉमन कॉमन सेंस एंड बेसिक मैथ। ऑलराइट, चलो। तो राइट, तो 20 दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए हम लोग पे कर रहे थे 6,000। 20 दिनों के लिए हम लोग पे कर रहे हैं 4,000। और अगर मैं 20 जुलाई पे एंटर कर, 20 जुलाई पे रेंट लेने वाला हूँ, सो सेम 15 लाख है और सेम 30 जुलाई है। सो बिकॉज बिकॉज 20 जुलाई है, मतलब ओनली 10 दिन बाकी है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसका प्राइस बन जाएगा, तो प्राइस क्या बनेगा? 2,000 बनेगा। मतलब कम होते आ रहा है, कम होते आ रहा है, ठीक है? और लास्ट में सपोज 31 जुलाई, मैं 30 जुलाई भी नहीं लूंगा, 31 जुलाई एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, मतलब ये एक्सपायर हो गया, ओ सॉरी, मतलब एक्सपायर हो गया ऑलमोस्ट, सेम 15 लाख का घर, पर एक्सपायरी क्या था? 30 जुलाई था एक्सपायरी। क्या है? एक्सपायर हो गया, इसमें कुछ डेज नहीं है, कुछ नहीं है, बर्बाद है एकदम एक्सपायरी, ठीक है? तो इसका वैल्यू क्या बनेगा? तुम तो नहीं पैसा दोगे, उस ऑप्शन तो ऑलरेडी खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली ये जीरो बन जाएगा। तो आपको समझ में आया? पहले था 6,000, इधर से आया 4,000, इधर से आया 2,000, इधर से जीरो आ गया। क्यों आया? बिकॉज टाइम कम होते जा रहा था एक्सपायरी के नजदीक, और ऑब्वियसली टाइम तो कम होगा ही, मतलब आप रोक नहीं सकते हो ना टाइम को, वो तो कम होगा ही, एक्सपायर होगा ही। बट प्राइस का क्या हुआ? मतलब अपना मकान का प्राइस क्या हुआ? 15 लाख का 15 लाख ही रहेगा, 15 लाख का 15 लाख ही रह गया। इसलिए हमको प्रॉफिट, या प्रॉफिट नहीं, ऑप्शन प्राइस को कुछ 6,000 से ऊपर की चांस नहीं मिल पाया, सो इट वेंट टू जीरो। इसीलिए ऑप्शन प्राइसेस हमेशा या ज्यादातर जीरो की तरफ ही जाते हैं, अनलेस एंड अंटिल देर इज अ मूव इन द मार्केट, ओके? तो अभी मैं सेम एग्जांपल निफ्टी पे ले रहा हूँ, ओके? निफ्टी पे ले रहा हूँ, निफ्टी चल रहा है 10,000 पे, एक्सपायरी है 30 जुलाई 2020, इसका प्रीमियम है 30, ओके? सिंपल सी चीज है ये तुम लोग मतलब 10,000 सी ही ले लो या पी ले लो, ठीक है? बाई करो, सेल करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? मैं बस ऑप्शन प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें मूवमेंट ही नहीं है, तो सी और पी का मतलब उसका फालतू में डिस्कशन करके बाय, ओके? तो अभी निफ्टी का प्राइस है 10,000, 10,000 का 10,000 ही रहा, ओके? और 30 जुलाई एंटर किया, 1 जुलाई पे, चलो 10,000 सी ही ले लेंगे, इफ यू आर यू नो दैट मच इन टू डायरेक्शंस, ओके? सो हम लोग पे किए 30, प्रीमियम पे किए 30, जब बचा है 30 डेज, 10 जुलाई पे 20 हो गया, बिकॉज सेम प्राइस सेम एक्सपायरी, बचे थे 20 डेज, सेम थिंग 20 जुलाई 10 पे आ गया,
same 10 days. और 30th जुलाई या ऑलमोस्ट 31st जुलाई उसके बाद तो ऑब्वियसली एक्सपायरी हो गया, तो उसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा बिकॉज प्राइस अभी भी नहीं घटा और सेम एक्सपायरी और 0 डेज बचे, इनफैक्ट -1 हो गया, देयर इज नो -1 इन एक्सपायरी. सो या तो ये हुआ. सो इससे आप क्या डिराइव कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन प्राइस को दो चीज चेंज कर दे, एक है अपना प्राइस, अगर प्राइस बढ़ रहा है ऊपर या नीचे ऑप्शन प्राइस कुछ तो फर्क पड़ रहा है, ठीक है, प्राइस का मूवमेंट लिख देंगे, ठीक है, प्राइस का मूवमेंट. प्लस एक और चीज चेंज हो रही है, वो क्या है, वो है टाइम डीके. डीके का मतलब, डीके का मतलब ये है कि मतलब 30 दिन से, मतलब 29 आ गया, 29 से 28 आ गया, 28 से 27 आ गया, ऐसा कम होते जा रहा है ना, जब ऐसा कम होते जाएगा उसको बोलते हैं डीके, बोलते हैं उसको, और ये है टाइम डीके. सो प्राइस का मूवमेंट प्लस टाइम डीके, मतलब ये ऑफिशियल मतलब क्या बोलते हैं, फॉर्मूला नहीं है, बस आपके एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि प्राइस का मूवमेंट प्लस टाइम डीके दोनों मिला के अपना ऑप्शन प्राइस को फर्क पड़ रहा है, ठीक है. क्या हुआ था इधर, हमारा हमारे चीज में मतलब इधर था कि 10,000 था, हम जब एंटर किए थे स्ट्राइक प्राइस 10,000 माइनस 10,000, उसका कुछ बदला ही नहीं, 10,000 माइनस 10,000 क्या हो गया, जीरो हो गया. और हम लोग एंटर किए तो सपोज 1st जुलाई पे कितने दिन बचे थे, 30 डेज, मतलब एग्जैक्टली 30 नहीं होता इधर, डिपेंड्स, मतलब 1st जुलाई पे एंटर किए उसका टाइम का वैल्यू कुछ और ही होगा, मैं एग्जांपल के लिए 30 लिखा, ठीक है, 10,000 माइनस 10,000 जीरो बन गया, और 0 प्लस 30 हो गया 30, इसीलिए 30 रुपीज़ का प्रीमियम हमको मिल रहा था 10,000 सीई या पीई में, ये था अपना कॉन्सेप्ट. तो ये आपको समझ में आ गया, सिंपल सी बात. तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला है ऑप्शन प्राइस इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है. ये दोनों चीज मतलब सुनने में इतना डरावनी है, पर एक्चुअल में जो मैं बोला उतना आसान है. इंट्रिंसिक वैल्यू यही है कि अपना जो स्ट्राइक प्राइस है 10,000, स्ट्राइक प्राइस SP लिख देता हूँ, ठीक है, अपना जो स्ट्राइक प्राइस है और अभी का करंट मार्केट प्राइस, मतलब अब जो चल रहा है मार्केट में वो प्राइस, ये इंट्रिंसिक वैल्यू, सिंपल सी चीज. अगर ये 10,100 पे चल रहा है, ठीक है, अगर हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया तो इधर माइनस आएगा, पुट ऑप्शन लिया तो इधर माइनस आएगा, सिंपल सी बात है, बस बहुत ही मतलब कॉमन सेंस वाली चीज. एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक तो समझ में आ गया भैया, तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू यही है कि आप कब से एक्सप्लेन कर रहे हो, टाइम डीके, कितना टाइम बचा है और वो टाइम का वैल्यू क्या है, वो है टाइम डीके. इसका कुछ क्वांटिफाइबल नहीं रहता है, इट डिपेंड्स ऑन डिमांड सप्लाई से रहता है, कितने मतलब पुट कितने बंदे हैं और कॉल मतलब बाई और सेल करने वाले कितने बंदे हैं, ओपन इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज मतलब चीज से ये पर्टिकुलर टाइम डीके मतलब होता है, डिराइव होता है. तो मैं एक्चुअली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट देयर इज अ वैल्यू और वो वैल्यू रैपिडली नीचे आता होगा, मतलब खत्म होता ही जाएगा. अगर 100 है फिर भी वो 0 की तरफ ही आएगा, क्योंकि टाइम हमेशा खत्म होगा, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है. इसीलिए ज़्यादातर ऑप्शंस 0 या 0 की तरफ, ये तो उल्टा हो गया, 0 और 0 की तरफ जाने की ट्राई करते हैं, बिकॉज टाइम उस तरफ
वो उस तरफ पुश करते रहता है, बिकॉज अगर प्राइस नहीं बढ़ा या प्राइस में कुछ भी मूवमेंट नहीं है तो वो जीरो ही बनेगा, ठीक है? ओके, तो अभी आपको एक्सपायरी का पता चल गया और ऑप्शन प्राइस किससे बनता है पता चल गया। तो आई होप, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है क्योंकि ऑप्शन में इजी समझा दिया मैंने ऑप्शन क्या होता है, कॉल और पुट ऑप्शन भी समझा दिया, आई थिंक आई डन अ प्रीटी गुड जॉब ऑन इट। पर ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है क्योंकि यू नीड सम कॉमन सेंस होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है? एंड आई होप आपके पास कॉमन सेंस है और समझ में आ गया बिकॉज आप बहुत स्मार्ट, ठीक है? ओके, तो आज का वीडियो तो समाप्त हो गया, वो तो है। तो मैं कल क्या वीडियो बनाने वाला हूँ उसका थोड़ा छोटा सा मतलब एक प्रीव्यू देने वाला। तो हम लोग बात करने वाले ऑप्शंस में भी, जो मैं इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ ना, सो इंट्रेंसिक वैल्यू से तीन तरह के ऑप्शन कैटेगरी आते हैं। एक होता है ITM, एक होता है ATM और एक होता है OTM। ये तीनों चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा और इन तीनों चीज़ों से आपको स्ट्राइक प्राइस कैसा चूज करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। तो कल का टॉपिक होगा विच स्ट्राइक प्राइस टू चूज एंड वेन टू चूज, मतलब आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है और वो स्ट्राइक प्राइस क्यों और कब मतलब चूज करना है, ठीक है? ये नेक्स्ट वाला वीडियो में टॉपिक होगा। तो अगर ये वीडियो समझ में आ गया आपको और कुछ वैल्यू मिला तो प्लीज कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? And that's it. Thank you.